नमस्कार। तो दिन के दूसरे पहर के 2 बज गए और वक्त है मेरा देश मेरा गांव के यूपी एडिशन का, जिसमें हम बात करते हैं अलग अलग विधानसभाओं की। यूपी की हर विधानसभा को एक एक करके हम टटोलने की, वहां की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। जनता क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, किस पार्टी का जो चांद सितारा है वो बुलंद नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी का दंगल चल रहा है और यूपी के दंगल में कोई पार्टी कभी किसी को पटक रही है तो कोई पार्टी कभी किसी को पटक रही है, लेकिन यहाँ पर मुद्दों को लेकर कोई किसी को नहीं पटक रहा है, बल्कि अपने अलग अलग तरह के बयानों को लेकर ही अटका पटकी चल रही है। लेकिन ऐसे में इस वक्त मामला जब पूरी तरीके से, जो सत्ता का टेम्परेचर है पूरी तरीके से इस समय हाई पर है, लेकिन ऐसे में क्या चल रहा है इस वक्त गोरखपुर की सहजनवा सीट पर, इसको आज जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ हमारे पत्रकार जुड़ेंगे जो स्थानीय हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि सहजनवा विधानसभा आखिर दिखती कैसी है। तो सहजनवा विधानसभा की आप तस्वीरें देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। ये सहजनवा विधानसभा है, किस तरीके से वहाँ के प्राथमिक विद्यालय दिखते हैं, किस तरीके से वहाँ की सड़कें दिखती हैं, ये एक तरीके का वैचारिक जो भूमिका है उसको बांधने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उस कॉन्टेक्स्ट में चले जाइए, उस विधानसभा के अंदर उस माहौल में आप थोड़ा सा अपने आप को रमित पाइए, तब हम आपको और ज़्यादा उसकी डिटेलिंग करेंगे, उस विधानसभा के बारे में और ज़्यादा जानेंगे समझेंगे। फिलहाल हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि विधानसभा में आखिर चल क्या रहा है। हालाँकि जो भी अटक पटक जो भी चल रही है अभी यूपी के दंगल में, वो सब शांत हो जाएगी, 10 मार्च तक का इंतज़ार करना होगा। 10 मार्च के बाद जो सियासी मौसम है वो ठंडा पड़ जाएगा और चुनावी जो बातें, दावे, बयान, जो भी कुछ चल रहा है वो सब भी ठंडा जाएगा। लेकिन 10 मार्च से पहले अभी जब सियासत पूरे शबाब पर है, तो ऐसे में हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता क्या सोच रही है, क्या जनता भी उतनी ही एक्साइटेड है चुनावों को लेकर। अगर एक्साइटेड है तो वो क्या बोल रही है, और अगर एक्साइटेड नहीं है तो क्या बोल रही है, दोनों चीज़ें जानना समझना जरूरी है। लेकिन यूपी के दंगल में आप रोज़ाना देख रहे होंगे कि समाचार चैनलों पर, अखबारों पर, टीवी पर हेडलाइन बड़ी बड़ी आ जाती हैं कि आज इस नेता ने ये बयान देकर सामने वाली पार्टी के बड़े नेता को पटकी लगा दी, और आज उस नेता ने ये वाला बयान देकर उस नेता को पटकी लगा दी। लेकिन दरअसल मन से तो सब जानते हैं कि 2017 से 2022 यूपी कितना बदला, इसको भी जानना समझना चाहिए, और यही हम जानेंगे समझेंगे आज की सहजनवा विधानसभा आखिर 2017 की विधानसभा जो थी अब 2022 की विधानसभा से कैसे अलग है। तो कितनी अलग है, कितनी नहीं अलग है, इसको जांचने समझने के लिए जनता तो है ही है, लेकिन उससे पहले हमारे जो स्थानीय पत्रकार हैं, जो दिन रात वहाँ की खबरों से रूबरू होते रहते हैं, एक दो हाथ करते रहते हैं, हर नेता के साथ उठना बैठना है, जानते हैं, समझते हैं, और ये भी जानते हैं कि आखिर जनता क्या जानती है, क्या जनता वो जानती है जो नेता नहीं जानते, या फिर नेता वो जानते हैं कि जो जनता नहीं जानती। तो इसको जानेंगे समझेंगे, हमारे साथ हेमंत सिंह जुड़ेंगे सहजनवा विधानसभा से। हेमंत सिंह हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी आपका, बहुत बहुत स्वागत हेमंत साहब जी। कावेन जी ये बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए मौसम कैसा है। मौसम का मिजाज बहुत जो है ठंडा है और शीतलहर इस समय चल, चलिए ठीक है, मौसम ठंडा है, शीतलहर चल रही है, लेकिन आप बाहर निकले हैं, शुक्र मनाइए कि चुनावी मौसम चल रहा है। चुनावी मौसम जब आता है तो हल्का सा माहौल जो है वो गरमाया रहता है 24 घंटे। दूसरी तरफ राजनीतिक पारी की अगर हम बात करें तो हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि मौसम तो ठंडा है लेकिन जो सियासी मौसम है वो दरअसल गरमाया रहता है जब चुनाव चल रहे होते हैं। तो ऐसे में गर्माहट क्या कह रही है, कितनी गर्माहट है इस वक्त सहजनवा में जी। सहजनवा विधानसभा की अगर बात करें कावेन, तो यहाँ पर चलिए ठीक है, अभी दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, समस्या आ रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, ये हो जाती है, टेक्निकल है, इसमें कोई बड़ी समस्या वाली बात जैसी नहीं है, दोबारा एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज सहजनवा विधानसभा के बारे में आपको बता रहे हैं, सहजनवा विधानसभा दिखती कैसी है तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि हमने अपने स्थानीय जो हमारे रिपोर्टर हैं हेमंत सिंह, उनको जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बताते उससे पहले ही उनकी आवाज़ अटक गई। खैर टेक्नोलॉजी की ज़माना है, जब कल हम सुन रहे थे निर्मला सीतारमण जी से जब हम कल देख रहे थे, जब वो बजट पेश कर रही थी, तब उन्होंने हर चीज़ को डिजिटल करने पर ज़्यादा जोर दिया। डिजिटल करेंसी भी जब देश में एक तरीके से दिखती हो और जिसको प्रामाणिकता मिल चुकी हो, लेकिन ऐसे में ये देखिए डिजिटली
किस तरीके से कनेक्शन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये सब समझते हैं। लेकिन ऐसे में कोई समस्या नहीं है, एक बार फिर हम अपने रिपोर्टर के पास पहुंचेंगे, एक बार फिर उनको स्क्रीन पर लीजिएगा अगर वो जुड़ गए हो तो। हेमंत जी। जी ठीक है हेमंत जी, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था कि इस वक्त सहजनवा का जो तापमान है, सियासी तापमान, वो क्या कुछ कह रहा है, कितना गर्म है? जी कावेन जी, सहजनवा विधानसभा का सियासी तापमान पूरी अपने जो है उफान पर है, और यहाँ की अगर बात करें तो बीजेपी से के कब्जे में सहजनवा विधानसभा थी, और सबसे बड़ी बात अगर कह दें कि पूरे पूर्वांचल की आर्थिक राजधानी की मानी जाती है सहजनवा विधानसभा। यहाँ पर जो गीडा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ये पूरे पूर्वांचल का एक हब माना जाता है, और यहाँ रोजगार के बहुत अच्छे साधन जो है सृजित किए गए हैं बीजेपी की सरकार में, और बीजेपी के कब्जे में सहजनवा विधानसभा इस समय है, और यहाँ पर शीतल प्रसाद पांडे जो है यहाँ के विधायक थे, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काट कर जो है प्रदीप शुक्ला को उस मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो यशपाल रावत को जो है यहाँ से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी कुछ तो ठीक है, कुछ तो नाराजगी, देखिए थोड़ा सा रुक रुक के एक एक पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे, कुछ तो नाराजगी रही होगी, शीतल साहब का जो टिकट कट गया वो क्यों कट गया, कुछ तो काम होगा जिसमें उन्होंने कटिंग की होगी। जी बिल्कुल, यहाँ की जो आवाम है सहजनवा विधानसभा की, उनका मानना है कि शीतल प्रसाद पांडे अपने विधायक कार्यकाल के दौरान पूरे 5 साल कभी उन्होंने क्षेत्र में दर्शन नहीं दिया, और यहाँ जनता पूरी तरह से उनसे नाराज थी, लिहाजा इसके बीजेपी ने उनका टिकट काट कर जो है प्रदीप शुक्ला को चुनाव मैदान में उतारा है। जी काबिल जी, ठीक है। अब ये बताइए, आपने आर्थिक राजधानी का जिक्र किया, क्या क्या बनता है, क्या क्या पक रहा है इस वक्त, ये बताइए सहजनवा में। जी आपको बता दें कविंद की जो सहजनवा विधानसभा है, यहाँ पर जो गीडा है, जो इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पर गैलेंट जैसी इस्पात कंपनी, आईजीएल जैसी कंपनियां और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर जो है निवेश कर चुकी है, और यहाँ पर डेवलपमेंट योगी राज में जो है गीडा का डेवलपमेंट भरपूर हुआ है, और रोजगार के साधन भी जो है सृजित किए गए हैं। लेकिन मलाल जो यहाँ की जनता का है कि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार गीडा में नहीं मिल पाया है, इसका मलाल जरूर जो है सजा लोकल लोग सक्षम नहीं है क्या? लोकल लोग सक्षम है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ के लोगों को नहीं रखती हैं, और बाहर से वो इम्प्लॉयमेंट करती हैं, और उसके वजह से जो यहाँ के युवा हैं वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो कुल मिला जुला के ये कहा जा सकता है रोजगार के बेरोजगारी जितनी जितनी जितनी, जितनी हेमंत जी जितनी कंपनियों के आपने नाम गिना दिए, ऐसा लग रहा है पूर्वांचल का नोएडा है ये सहजनवा आपका। बिल्कुल बिल्कुल सही कह सकते हैं, और पूरे पूर्वांचल और बिहार समेत जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ गीडा में निवेश करती हैं और अपना प्रोडक्शन करती हैं, लिहाजा इसके जो है बाहर की कंपनियां निवेश करती हैं और बाहर के लोग रोजगार पा जाते हैं, सहजनवा के जो लोग हैं युवा हैं वो रोजगार नहीं पा पा रहे हैं, समस्या क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल, अब यहाँ हमारे लोग हैं यहाँ सहजनवा विधानसभा के, उन्हीं से जान की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग जो है बेरोजगारी का दंश क्यों झेल रहे हैं। क्या नाम है आपका? तो विश्वकर्मा, क्या मानते हैं कि जिस तरह से जो है सहजनवा में रोजगार की, युवाओं की कमी, रोजगार की कमी देख रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप लोग? रोजगार की वजह जो बाहर के लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ के लोकल बहुत कम है, तो यहाँ के लोकल लोगों को क्यों नहीं रखा जाता, क्या वजह मानते? ये तो उन लोग को मालूम होगा, थोड़ी कमी है यहाँ के लोगों को। नहीं, कोई तो समस्या होगी, देखिए बाहर के लोगों को रखना, उनके लिए कुछ इंतजाम, अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं करनी पड़ती होगी, लोकल लोगों को रखेंगे तो वो व्यवस्थाओं से नहीं करनी पड़ेंगी उस तरीके की व्यवस्थाएं, तो लोकल लोगों को ना रखने के पीछे कारण क्या है, स्किल की कमी है क्या युवाओं के बीच? आप से जानना चाहते हैं क्या स्किल की कमी है कि लोकल लोगों को यहाँ की फैक्ट्रियां जो है काम नहीं देती हैं, बाहर से मजदूर ले आते हैं और बाहर से लोग लाते हैं, तो क्या यहाँ के युवा जो है पढ़े लिखे या स्किल वाले नहीं है? पढ़े लिखे हैं सर, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता उनको। कारण क्या है? कारण लोग बाहर से मंगाते वो सस्ते मिल जाते हैं, यहाँ के लोग लोकल को रखना नहीं चाहते हैं, और बाहर से बिहार से मंगा लेते सस्ता मिल जाते हैं उन लोगों को, इसकी वजह से रोजगार यहाँ लोगों को। अच्छा ठीक है, चलिए बिहार से ले आते हैं, बिहार से लाकर और जहाँ सस्ता, मतलब सस्ते लोगों को रख लिया जाता है, सस्ता लेबर वाली यहाँ पर जो चीज़ है वो है। ठीक है, अब ये बताइए जरा कि अभी जब मौजूदा विधायक का टिकट कटा है तो किसी तरीके की कोई नाराजगी?
नहीं, बीजेपी का एक दस्तूर रहा है कि वहां नाराजगी बहुत कम देखने को मिलती है। नाराजगी जरूर अंदर खाने में होती है, गुटबाजी जरूर होती है, लेकिन वो उभर कर पटल पर नहीं आती है। लेकिन काफी जगह पर हम देख रहे हैं कि जिसका टिकट कट जाता है वो या तो दूसरे पाले में जा रहा है या निर्दलीय जाने की धमकी दे रहा है, तो ऐसे में यहाँ वैसा कोई माहौल नहीं है बीजेपी में। नहीं, बीजेपी में नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी में कल ही की बात है, जो राजेश यादव है उनका टिकट जब कटा है तो कांग्रेस का दामन पकड़ चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। वही अगर बगल की खजरी विधानसभा की बात करें, अनु प्रसाद जो जो है नेता थी वो समाजवादी पार्टी के, उनको टिकट नहीं मिला, रूपावती बेलदार को टिकट मिला, तो उन्होंने भी जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लेकिन बीजेपी में इस तरह की बगावत की खबरें जो है गोरखपुर में अभी तक तो नहीं आई है। जी काबिल, ठीक है। अब जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी भी गोरखपुर से ही मैदान में हैं, तो इसका कुछ जो असर है वो आसपास की जो विधानसभा है उनमें पड़ता दिख रहा है? बिल्कुल काबिल, अगर गोरखपुर की जो विधानसभाएं हैं, आसपास के जो विधानसभा है, जैसे पिपराइच हो गई आपकी, जो है आपकी सैजनवा विधानसभा हो गई, खजनी हो गई, बांसगांव हो गई, इस जगह पे जो है खासा असर योगी आदित्यनाथ की पकड़ पूरे पूर्वांचल में मानी जाती है और उनका खासा असर देखने को मिलता है। और दूसरी बात, एक सबसे बड़ा मुद्दा है गोरखनाथ मंदिर का, तो गोरखनाथ मंदिर एक बहुत बड़ा पूर्वांचल के आस्था का केंद्र है और शायद उसके सामने सभी मुद्दे गौर होते नजर आते हैं। हर इलेक्शन की अगर बात करें तो आस्था के आगे जो है सारे मुद्दे गौर हो जाते हैं और शायद यही वजह है कि गोरखनाथ मंदिर का एक पूर्वांचल की राजनीति में एक बहुत बड़ा जो है योगदान रहता है और शायद उसी वजह से यहाँ की जनता गोरखनाथ मंदिर की वजह से ही जो है आस्था के वजह से और लोग जो है। हाँ, लेकिन अब यूपी की, जब यूपी के दंगल की बात करते हैं, यूपी में विधानसभा चुनावों की बात करते हैं, तो इस बार ये तो सबको मालूम है, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, आपके पीछे खड़े हैं जो स्वेटर में भाई साहब उनको भी मालूम है कि सपा और भाजपा के बीच ही मुख्य रूप से फाइट है, लेकिन बसपा भी तो है, बसपा कहाँ है ये बताइए। जी कविंद, बिल्कुल सही कहा आपने, बसपा जो है, बसपा भी चुनाव मैदान में जरूर है, लेकिन जो जनता है वो जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को आमने सामने की टक्कर की नजर से देख रही है। बसपा जो है वो अपना शायद मजबूत बन जो है बचाने की जुगत में लगी जरूर है, उसके प्रत्याशी जो है स्थानीय नहीं है। बसपा के अधिकतर प्रत्याशी जो है बाहर से जो है आया गया, यही वजह है कि जो स्थानीय लोग है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कसोमकस जो है बसपा की तरफ से जारी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सीधी टक्कर देखने को मिल रही है और प्रत्याशियों में, और शायद इसीलिए टिकट के लिए भी होड़ लगी हुई और सभी पार्टियां जो है फूक फूक कर प्रत्याशी अपने जो है अपने मैदान में उतार रहे हैं। जी काविंद, ठीक। और ये जो अभी आप बता रहे हैं, एक नेता जी हैं जो सपा में थे, अब वो नाराज होकर जो कांग्रेस वाले घर में चले गए हैं, इससे कांग्रेस को मजबूती दिख रही है क्या सहजनवा में? जी बिल्कुल, कांग्रेस को भी मजबूती दिख रही है। दूसरी बात, उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने की उम्मीद जताई जा रही है खजरी विधानसभा और सहजनवा विधानसभा में, मतलब सपा के वोट काट लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सपा के कुछ हद तक वोट वो काट लेंगे, जिससे सीधा भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिख रहा है अभी तक। लेकिन आगे क्या होगा, अभी समय नजदीक आएगा, हो सकता है मनाने की प्रक्रिया जारी हो और वोटरों को सहेजने के कदम उठाए जाए पार्टियों द्वारा, तो हो सकता है आगे क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल अभी सीधा तौर पे भारतीय जनता पार्टी को दोनों विधानसभा सीटों पर फायदा होता दिख रहा है। जी काबिल, जब गोरखपुर की बात करते हैं तो जैसे आपकी विधानसभा की बात करें सहजनवा, सबसे पहले तो उसका नाम ही बड़ा खूबसूरत है, सहजनवा ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं ना? हाँ, तो सहजनवा जो विधानसभा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुसलमान जो है ये भी बीजेपी को थोड़ा लाइक करते हैं, दे आते हैं वोट, है सर? नहीं काविंद, ये गोरखपुर की बात है कि गोरखपुर के मुसलमान जो है, गोरखपुर जो सदर सीट है जहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, वहाँ के मुसलमान बीजेपी को वोट करते आते हैं और बीजेपी का जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का एक संरक्षण उनको बराबर मिलता रहता है। शायद यही वजह है कि वहां के मुसलमान जो है बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन जो सहजनवा विधानसभा है वो जो है बैकवर्ड बाहुल क्षेत्र मानी जाती है और यहाँ से जब लहर थी उससे पहले जो है सपा के खाते में भी ये सीट थी और बसपा के खाते में भी ये सीट रही है, तो हमेशा से यहाँ
यहाँ जो है विधायक बदलते रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो है गोरखपुर की जो सदर सीट है वो बीजेपी की सीट हमेशा से रही है और वहाँ सभी वर्ग के लोग जो है गोरखपुर सदर सीट पर, जैसे इससे पहले राधा मोहन ठीक है, हेमंत जी दो चार सीटें हैं जिनको लेकर, तो जिन पर अगर चुनाव आज हम आज भी बता सकते हैं, खुलकर बता सकते हैं कि दो चार सीटें जो है ये कौन जीतेगा। वो कुंडा वाली हुई, वो राजा भैया वाली सीट, वो राजा भैया ही जीतेंगे सबको पता है, और इधर आपकी गोरखपुर सदर वाली सीट हुई, ये यही जीतेंगे सबको पता है, और इधर करहल वाली भी जी अभी बता सकते हैं कौन जीतेगा। ठीक है, एसपी बघेल साहब को खैर उधर भेज दिया है लेकिन वो वापसी कर लेंगे, इसमें कोई वो बात नहीं है। अब ये एक और चीज़ जानूंगा हेमंत जी मैं आपसे कि सहजनवा जो है, सहजनवा विधानसभा जो है, यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य इनको लेकर क्या काम किया गया, कुछ काम किया गया है 17 के बाद अभी तक? जी 17 के बाद अगर शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें तो वही स्थितियां लचर है और कोई डेवलपमेंट उस क्षेत्र में नहीं हुआ। मतलब कोई कॉलेज वालेज नहीं बना नया, कॉलेज नहीं बने हैं नए, और अगर बात करें खाली कागज में घोषणाएं हुई पॉलिटेक्निक कॉलेज की सहजनवा में बनने की, लेकिन अभी तक वो धरातल पर वो नहीं कहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे गैलेंट है, आईजीएल है, इन्होंने गाँव को जो गोद लिया था वही वहां करोड़ों रुपए जो है उन्होंने लगाया है शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, तो जो अगल बगल के गांव है वहां पर ये प्राइमरी जो स्कूल थे उनको जो है डेवलपमेंट उनका जो है ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने जरूर किया, लेकिन सरकार की तरफ से अगर बात करें तो सड़कों का जाल तो जरूर पीता नजर आ रहा है गोरखपुर के जो है सहजनवा विधानसभा में, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा की जो व्यवस्था है वो अभी भी लचर है। यहाँ के विधायक 5 साल जो है मलाई काटते रहे और उन्होंने पलट कर जनता के बीच जाने का काम नहीं किया, शायद इसी वजह से बीजेपी के जो विधायक थे उनसे जनता डरा। रसमलाई वाला कटोरा छिन भी, रसमलाई वाला कटोरा भी तो छिन गया ना। हाँ ठीक है, अब ये और जानेंगे हेमंत जी कि जैसे कि मैंने शिक्षा की बात की तो आपने बताया कि कोई कॉलेज नहीं बना है, महिला डिग्री कॉलेज कुछ भी नहीं, मतलब नया कुछ नहीं बना है, कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो पहले जो चीज़ें चलती थी, ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, जो पहले चीज़ें चलती थी ना, वो पर्ची बांटो पास वाली प्रक्रिया जो होती थी, वो चीटिंग वीटिंग करके जो, ठीक है MBA भी हो रहा है, ठीक है ना, BTech भी हो रहा है, सब हो रहा है, तो वो चीज़ खत्म हुई है, कम हुई है उस तरफ? हाँ बिल्कुल सही है, उसमें जो है लगाम कुछ हद तक लगी है लेकिन पूरी तरह से लगाम नहीं लग पाई है, जितने इस तरह के कॉलेज से शिक्षा की जो मंदिर थे जो इस तरह की फर्जी डिग्रियां बांटते थे या नकल करा के पास होने की एक लोड लगी रहती थी, वो काम अभी भी बदस्तूर जारी है और उसमें भी कोई खासा सुधार देखने को नहीं मिला है, हालांकि कुछ हद तक तो सुधार लगाम लगी है जो बाहर से नजर। ठीक है चलिए, तो एक बार फिर शायद कनेक्शन जो है वो वीक हो गया, दोबारा जोड़ेंगे, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सहजनवा विधानसभा की हम बातचीत कर रहे थे, सहजनवा विधानसभा में अभी हमारे जो रिपोर्टर साहब हैं वो बता रहे थे कि ऐसा कोई कमाल नहीं हुआ है, विकास के नाम पर कोई कमाल नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर बताया कि जो विधायक जी थे जिनका टिकट कट गया वो घर पर ही रहे और खूब मालामाल करते रहे, लेकिन कमाल कुछ नहीं हुआ विधानसभा में। हालांकि उनका टिकट कट गया है, दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है बीजेपी ने, लेकिन यहाँ बीजेपी के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि जो समाजवादी पार्टी से जो नेताजी पहले टिकट का सपना संजोए थे, लेकिन सुबह जब वही आँख खुली तो उनका टिकट कट गया और इसके बाद वो अगली ही दोपहर दूसरी पार्टी में चले गए। तो वो दूसरी पार्टी में चले गए तो इससे कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, वोटर जो है, वो जरूर कटेगा और छटेगा। चलिए हेमंत जी दोबारा जुड़ गए, हेमंत जी रह रहकर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हेमंत जी को जुड़िए दोबारा। ठीक है हेमंत जी, मैं ये कह रहा था, मैं दर्शकों से ऐसी बातचीत कर रहा था क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए कट गए थे, तो बता रहा था कि सपा के जो नेताजी थे वो टिकट का सपना संजोए थे, लेकिन जैसे ही सुबह आँख खुली तो टिकट कट गया, और जब टिकट कट गया तो अगली दोपहर को वो दूसरे घर में चले गए। तो सपा जो है यहाँ पर थोड़ा सा माइनस में दिख रही है, बीजेपी यहाँ पर हल्का सा प्लस में दिख रही है इसी मामले को लेकर, ठीक है ना? तो अब ये बताइए, हाँ ठीक है, तो अब ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत मतलब जमीनी बात कर रहे हैं हम, सहजनवा विधानसभा तक ही सीमित रहेंगे, केंद्रित रहेंगे, ये जो पीछे भैया स्टाइल में खड़े हैं इन्हीं से सवाल करिएगा, ठीक है, ये देख लीजिए पीछे यही, हाँ नहीं 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 खड़ा रखिए नहीं रुकिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा इनसे कि 5 साल तक महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरीके के मुद्दे, सरसों का तेल इतना महंगा हो गया है, प्याज महंगा आ रहा है, टमाटर महंगा आ रहा है, कैसे घर का खाना बनेगा, ये कैसे होगा, पेंट कैसे होगा, पुताई कैसे होगी, ईंट भट्टे में इतनी महंगी हो गई, ईंट कैसे लगेगी, है ना, अब तो मजदूर भी 800 रुपये लेता है एक दिन का, जो मिस्त्री है राजमिस्त्री वो भी 800 रुपये ले रहा है, लेबर नहीं मिल रही 350 रुपये में, मतलब महंगाई कुल जमा बात, उसको लेकर परेशान रहता है।
लेकिन अभी मैं अगर निकल जाऊंगा पूर्वांचल के दौरे पे, आप तो खैर घूमते ही रहते हैं, छोटे छोटे जो जिले हैं इधर, आप पूर्वांचल में जाएं, अवध में जाएं, बुंदेलखंड में जाएं, चाय की दुकान पर बैठ के जब हम सुनते हैं तो चर्चा कर रहे हैं लोग कि वो अखिलेशवा, वो देखो जिन्ना का नाम ले दिया, वो योगी जी कह रहे हैं कि शिमला बना देंगे वहां पर, मतलब सरसों का तेल और ईंट इतनी महंगी आ रही, भट्टा, ये सब भूल गए, जिन्ना का नाम आ रहा है, पाकिस्तान का नाम आ रहा है, शिमला बनाया जा रहा है, इधर कैराना में शिमला की व्यवस्था की जा रही है, बताइए। तो इनसे पूछिए, ये जो भैया अभी स्टाइल में खड़े थे, इनसे पूछिए कि जो मुद्दे 5 साल तक चलते हैं वो मुद्दे चुनाव के वक्त जिंदा रहते हैं, या फिर जो नेता अपने मुंह से मुद्दे बना देते हैं वो मुद्दे ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि ये महंगाई का जो मुद्दा है और ये कितना कारगर होगा और इस विधानसभा सीट पर, और धार्मिक मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे जैसे राष्ट्रवाद का मुद्दा, ये कितना असरदार होगा आपकी बात? महंगाई तो मार चली रही है, लेकिन महंगाई से कोई मतलब नहीं है, काम भी तो हो रहे हैं, काम की वजह से भाई महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, महंगाई तो आनी ही आनी है, कोई भी सरकार आएगी महंगाई नहीं कम करेगी भाई, महंगाई तो आनी है, लेकिन वो इस पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, इनसे पूछे, महंगाई तो बढ़ गई, तनख्वाह बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तनख्वाह वगैरह बढ़ी है कि नहीं? बढ़ी है, तनख्वाह भी बढ़ी। चलिए तो ठीक है, इनका बैलेंस चल रहा है, इनका मामला बैलेंस है हेमंत जी, ठीक है, सवाल का कोई मतलब नहीं, बैलेंस है। एक मिनट कामेंट जी, मैं और जानने की कोशिश करेंगे, और भी हमारे साथ युवा है उनसे जानते हैं, आप बताइए आप क्या मानते हैं कि इस बार के चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा, धर्म का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा कितना असरदार होगा? बिल्कुल असरदार होगा, इस बार ना मंदिर का मुद्दा चलेगा ना राष्ट्रवाद का मुद्दा, जनता बेरोजगारी और इस पर रोजगार पर वोट करेगी और समाजवादी की सरकार बनाएगी। ठीक है, रोजगार पर वोट करके समाजवादी की सरकार बना देगी, ये कौन सा मतलब तुक हुआ एक सेंटेंस में, बोल गए कि रोजगार के मुद्दे पर वोट करेगी और सपा की सरकार बना देगी, तो रोजगार का मुद्दा अगर रहेगा तो क्या सपा सरकार आएगी तो क्या हाथ पकड़ पकड़ कर घर से कलेक्टर बनाएगी? जो समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो क्या सबको रोजगार दे देगी? बिल्कुल, उन्होंने जो लैपटॉप का वादा दिया था, पेंशन का वादा दिया था, उन्होंने पूरा करके दिखाया है, भाजपा ने सिर्फ जुमला दिया है, देश को गुमराह करके रखा हुआ है, 15 लाख मिलेंगे इसका भी। भैया से एक चीज पूछेगा, हमारे युवा साथी से एक चीज पूछेगा हेमंत जी, कि अभी क्या रोजगार कर रही है? अभी आप क्या रोजगार कर रहे हैं? मैं तो ऐसे घूम रहा हूँ, बेरोजगार हूँ। बेरोजगार 2017 से पहले क्या थे, एसडीएम साहब से क्या थे, ये पूछिएगा जरा। 2017 से पहले क्या थे जब बीजेपी सरकार नहीं थी? मैं उस समय पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर रहा था। अरे रह गए, बच गए, चलिए पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब तक पढ़ के पास हुए तब तक बेरोजगारी वाली सरकार आ गई। अपने अपने मुद्दे हैं और अपनी अपनी आस्था है राजनीतिक पार्टियों में लोगों की, और अपने अपने ढंग से उनकी दलीलें भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है उनका ये मानना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने वादे जो मैनिफेस्टो में लाए थे कि लैपटॉप बांटेंगे और भी चीजें हैं, तो उनको उन्होंने पूरा किया, शायद यही वजह है कि लोगों को यकीन है कि जो अभी आईटी सेक्टर में जो नौकरियां देने का वादा अखिलेश यादव ने किया है, और भी जो वादे, बिजली का मुद्दा है, पुरानी पेंशन बहाल का मुद्दा है, उसका कुछ न कुछ असर अभी समाज में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रदेश की सरकारें करती हैं जिनकी वाहवाही भी करनी चाहिए, उनसे कभी अलग नहीं करना चाहिए। जैसे अखिलेश यादव ने, अभी हम नोएडा में जिस जहां से आते हैं तो वो एलिवेटेड रोड है, वो अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान बनाया गया, उसकी वाहवाही है। या आपका एक्सप्रेस वे जो है लखनऊ वाला, ये कितना बढ़िया बना है, सुंदर बना है, इसकी वाहवाही है। लैपटॉप भी बांटे गए, अभी मैं थोड़े दिनों पहले देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में एक छात्र बैठ के बता रहा था कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में मुझे लैपटॉप मिला था, आज वो ऑस्ट्रेलिया में उसी लैपटॉप से पढ़ाई कर रहा है बैठकर, तो अच्छी चीज़ें हैं। ऐसे ही योगी जी की सरकार में भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, जेवर पर एयरपोर्ट का चलिए शिलान्यास हो गया, कहीं लोकार्पण हो गया किसी चीज़ का, कहीं कुछ हो गया, तो अच्छे काम भी होते हैं, उसकी वाहवाही है। लेकिन हेमंत जी, बड़ा दिलचस्प होता है जब हम बिल्कुल ज़मीन पर उतर कर बातचीत करते हैं लोगों से, तो बढ़िया बढ़िया बात निकल कर सुनने को सामने आती है। अब आप जाते जाते मुस्कुराते हुए ये बता दीजिए कि 2017 में तो स्पष्ट रूप से लहर हम समझ रहे थे कि जो हवा बह रही थी उसमें भी भगवा हवा बह रही थी, हवा का भी कलर जो था थोड़ा थोड़ा भगवा था, इस बार क्या कह रहा है, क्या रंग है? देखिए, इसमें इस बार के चुनाव में कांवर जी कांटे की टक्कर है बीजेपी और जो है समाजवादी पार्टी में, जो है कांटे की टक्कर नजर आ रही है, और सब ऐसा नहीं है कि जो अखिलेश यादव के वादे हैं उस पर जो है कंसंट्रेट हो गया है समाज की, नहीं वही सही है, अभी बीजेपी के
पाली में भी जनाधार है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने जनाधार खो दिया है। भले उनके विधायक मंत्री जो है कुछ नहीं कर पाए हैं, अभी संत कबीर नगर की बात करें तो खजनी विधानसभा में जो श्री राम चौहान जो उद्यान मंत्री थे वो संत कबीर नगर की धनकटा विधानसभा से आते थे और वहां से उनको उनका टिकट काट के खजनी विधानसभा में उनको उतार दिया गया है। तो ये अलग की बात है कि बीजेपी के पास ने अपने कई टिकट काटे हैं और कई मंत्रियों तक के भी टिकट में जो है तबादले किए हैं, लेकिन जनाधार अभी बीजेपी का है और सीधे तौर पे जो है कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के अंदर ही दोनों के आमने सामने की टक्कर का वे नजर आ रही है। ठीक है, तो सहजनवा विधानसभा में आप बता रहे हैं कि बहुत कांटे की टक्कर है, मामला दोनों तरफ से टाइट है। चलिए ठीक है, ठंड बहुत है, मफलर बांध लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो आज का कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश है, मैं आज हमने सहजनवा विधानसभा की बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर विधानसभा में चल क्या रहा है, क्या जो फाइट है वो एक तरफा है या फिर कांटे की टक्कर है। लेकिन जैसा कि हमारे रिपोर्टर साहब उनको बता रहे थे कि जो लड़ाई है वो हेड टू हेड है, नेक टू नेक है। तो ऐसे में क्या कुछ होता है 10 मार्च को साफ हो जाएगा। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा एक और नई विधानसभा के साथ। फिलहाल के लिए शुक्रिया।